जो राक्षस है तो वो अपने उनको मारे, उनकी गर्दन उड़ा दे, मारने की बात कही गई वहां पर, क्या उनका यही काम है कि मारे? और अग्नि जो है वो अग्नि सबसे आगे के ईश्वर को, परमेश्वर को कहा गया है, उनको मार दे, उनकी हत्या कर दे और उनकी आंखें निकाल दे। हत्या करना तक ठीक है, आंखें क्यों निकाल दे? कुरान ने तो कभी मारने से आगे की बात नहीं कही। अगर कहीं को मारने की बात कही गई, वो भी मैंने आपको बता दिया सिर्फ युद्ध की परिस्थितियों में। और मैं फिर ये कह रहा हूं कि मैं इसका समझता हूं, मुझसे कहा जाए तो मैं समझा दूंगा, लेकिन सिर्फ मैं तुलना के लिए मैं सामने रख रहा हूं कि ये चीजें जो है यहां पे मौजूद है। जब दो आयने के लगाते हैं, जब इसे समझा कि हम वेद को पढ़ें और इन शब्दों को देखें तो हमारे मन में आपत्ति नहीं आएगी, और उसे हम नहीं समझेंगे अशांति की बात कर रहे हैं। मैं समझता हूं कि युद्ध की परिस्थितियों से संबंधित बातें हैं। और जब हम कुरान की ऐसी आयतों को पढ़ें तो हम समझेंगे ये तो सबको हमेशा मारने की बातें की जा रही है। ये मैं इसको सिर्फ यहां पर तुलना करके मैं सिर्फ इतनी बात यहां बताने चाह रहा हूं। हे ईश्वर जो हमें बुरा समझा, मैं भावार्थ बता रहा हूं यहां से, अनुवाद नहीं है। हे ईश्वर जो हमें बुरा समझे और मारना चाहे और हमसे शत्रुता का बर्ताव करे, उन सबको भस्म कर दे। अथर्ववेद 4:36-1, हम शत्रुओं को निहत्ता करके उनके सारे अंगों को शिथिल कर दें और उनका सब धन आपस में बांट लें। अथर्ववेद 6:67-3, छताकांड सूक्त नंबर 67 मंत्र नंबर 3, दुष्ट की खाल उतार ले। ये अथर्ववेद कांड 8वां कांड 8:3-4 तीसरा सूक्त और चौथा मंत्र। और ये मैं भावार्थ बता रहा हूं, ये एक शब्द का अर्थ नहीं कि इंसानों पे सबको, अब राक्षस खाली वो नहीं है कहीं बाहर के, कोई किसी और सृष्टि में के, इंसानों में के, कि जितने मनुष्य है उनके ऊपर नजर रख और उनके बीच जो राक्षस हो उनके मस्तक और कंधों को तोड़ दे, उनकी पसलियों को कुचल दे और उनके दोनों जांघों और कटी भाग को चीर कर फेंक दे। अथर्ववेद 8वां कांड तीसरा सूक्त और 10वां मंत्र 8:3-10। मेरे लिए तो ये भी कुरान है, मैं अपनी बात कर रहा हूं, आप माने चाहे ना माने, आप में से कोई, इसलिए कि ईश्वर की वाणी है, खुदा का कलाम है, मैं मान रहा हूं, बाकी और जितने लोग कोई मानते हो या ना मानते हो। और मैं ये समझ रहा हूं कि किन परिस्थितियों में क्या क्या बात कही गई है, लेकिन हम परिस्थितियों से काटने के बाद हम इसको लाए और प्रचार करना शुरू कर दें और हम कहें कि अशांति की शिक्षा दे रहा है वेद, हमें इसके ऊपर बैन लगा देना चाहिए, इस पे हमें मुकदमा करना चाहिए, इस पे हमें कानूनी पाबंदी लगाना चाहिए, तो प्रश्न से काट रहे हैं और सिर्फ नफरत फैला रहे हैं और कुछ भी नहीं कर रहे। इन्हीं परिस्थितियों में, जिन परिस्थितियों में ये बातें कही गई, जबकि मैं सच कह रहा हूं इनमें से बहुत से मंत्र में यहां पर प्रसंग और परिस्थितियां नहीं है, लेकिन दूसरी जगहों पर बताया गया तो मैं परिस्थितियां समझ रहा हूं। तो बहुत से मंत्रों में परिस्थितियां भी नहीं दी गई कि कौन सी परिस्थितियों में ये काम करे। कुरान ने परिस्थितियों के सिद्धांत दिया कि युद्ध की जब युद्ध और शब्द उठाने का नौबत आ जाए, या आत्मरक्षा में, या जुल्म खत्म करने के लिए, अत्याचार खत्म करने के लिए, या संधि कहीं टूटी है, उस समय में अगर लड़ाई की जा रही है तो लड़ाई के अंदर कोई बैठा थोड़ी है, अगर लड़ाई में कहा जाएगा कि मारो। लेकिन कुरान ने उसके अंदर फिर साथ में कुछ नैतिकता की बातें भी की जो अभी मैंने नहीं बताई, मैं बात को बताऊंगा, जो मुझे इन मंत्रों के साथ में इस जगह पर काफी, तो वेद के अंदर अच्छी चीजें भरी पड़ी है मेरी, तभी तो आस्था है, लेकिन इन मंत्रों के साथ में वो नैतिकता की बातें नहीं, कुरान में उन जगहों पे नैतिकता की बातें भी हैं। यहां पर मैं तो सिर्फ इसलिए कह रहा हूं ये बात, और ये भी मैं तुलना इसलिए नहीं कर रहा हूं कि इसलिए वो अच्छा हो गया, ये मैं तुलना इसलिए कर रहा हूं कि यहां पर तो वो नहीं थी तब आपको इसके ऊपर आपत्ति नहीं लगी, और वहां नैतिकता की बातें साथ में थी, जैसे 8:65 अभी सूरत नंबर 8 सूरह अनफाल और आयत नंबर 65 अभी उसका यहां पर अनुवाद पंडित जी ने रखा था, और उससे उसको पूरे प्रसंग के अंदर जो नहीं पढ़ा, 8:61 जो है उससे 3 आयतें पहले, वो पूरा एक प्रसंग चल रहा है और 3 आयतें पहले उसमें कहा गया कि वे जनहुल स्थल में फजना लहा, लेकिन अगर युद्ध के अंदर वो तुमसे अगर बात करें जंग रोकने की, सुलह की बात करें, फजना लहा तो तुम भी झुकना सुलह की तरफ, वही युरीदु ही अपहु का, अगर तुम ये समझते हो कि इनका इरादा धोखेबाजी करने का है, तो दबकर ये संधि कर रहे हैं, सुलह कर रहे हैं, वही नाहबक अल्लाह, अल्लाह पे भरोसा करना वो काफी हो जाएगा, लेकिन संधि से पीछे मत हटना वहां पर। लेकिन जब ये संधि की बात नहीं कर रहे हो और युद्ध धो भी दिया गया, तो फिर वो तुम्हें जहां पर भी युद्ध क्षेत्र में मिले उन्हें मारो। ऐ नबी इनको समझाओ कि ये भागे नहीं, फिर और लड़ाई करें। इस प्रसंग को समझने की आवश्यकता है कि ये मारकाट की शिक्षा नहीं है। ये वो जो आयतें बताई अभी, आयतों का तर्जुमा जो पंडित जी ने अभी आयतें पढ़ी थी, उसका अनुवाद ये था कि ईमान लाने वालों के इंटरेस्ट के, जो ईमान लाने वालों के सिवा मिंदुरिल मोमिनीन का अर्थ है, ईमान लाने वालों के इंटरेस्ट के खिलाफ। और ईमान लाने वालों का मतलब समझ लीजिए, वो नहीं जो मुसलमानों के घर पैदा हुए, बल्कि जो वाकई ईमान रखने वाले लोग हैं, तो वो ईमान लाने वालों के इंटरेस्ट के खिलाफ तुम जो लोग काफिर हैं उनसे दोस्तियां मत करना,
इसलिए कि और ये भी युद्ध से संबंधित बातें और उसका जो गाइडिंग प्रिंसिपल्स हैं, उसके जो रहनुमा उसूल हैं, उसके जो मूल सिद्धांत है वो मैंने आपको पढ़ के सुना दिए कि इन आयतों को उसके अंतर्गत पढ़ा जाएगा कि अल्लाह तुम्हें उनसे दोस्ती करने को मना नहीं कर रहा जिन्होंने तुमसे युद्ध नहीं किया और जिन्होंने तुम्हारे दीन की वजह से तुमसे युद्ध नहीं किया, तुम्हारे घरों से नहीं निकाला, अल्लाह तुम्हें उनसे दोस्ती करने को मना नहीं कर रहा बल्कि मना उनसे कर रहा है दोस्ती करने को जिन्होंने तुम्हारे दीन की वजह से तुमसे युद्ध किया और तुम्हें तुम्हारे घरों से निकाला। तो जब ये बात आ गई तो अभी शायद पढ़ने का कोई अर्थ नहीं रहा बार बार इस आयत को पढ़ने का कि कुरान ये कह रहा है कि ईमान लाने वालों के इंटरेस्ट के खिलाफ जो है उनके तुम उनको छोड़कर उनको त्याग कर तुम काफिरों से दोस्ती मत करना। कहा ये अब इसको फिर मैं याद दिला रहा हूं, उन काफिरों से दोस्ती मत करना जिन्होंने तुम्हारे दीन की वजह से तुमसे झगड़ा किया और तुम्हें तुम्हारे घरों से निकाला, बाकी से नहीं कर रहा है मना। तो एक जगह सिद्धांत आ गया, उस सिद्धांत के अंतर्गत पढ़ी जाएगी। कुरान को समझने का यही उसूल है। अगर आप समझें कि नहीं हम तो ऐसे नहीं समझेंगे, जिसकी जगह कोई आयत निकलेगी बस उसी को फाइनल मानेंगे हम और कोई प्रसंग नहीं देखेंगे, उसका सिद्धांत भी नहीं देखेंगे, आपकी मर्जी। मत देखिए आप कुरान को गलत समझते रहिए, लेकिन मैं समझा नहीं सकूंगा। फिर आप अगर मुझे समझाना है तो मैंने आपको बताया कि अब जितनी भी आयतें ऐसी आएंगी उसके अंतर्गत आपको पढ़ना पड़ेगा उन तीन युद्ध की परिस्थितियों में। युद्ध की जब परिस्थिति आए जो इन तीन में से, अगर इन तीन के ऊपर आपत्ति हो तो ठीक है, लेकिन अगर इन तीन पे नहीं हो तो जब युद्ध होगा तो फिर तो ही किया जाएगा कि युद्ध क्षेत्र के अंदर पीठ फेर के मत भागना और लड़ना और मुकाबला करना, इसलिए कि फिर उसके बाद अधर्म आ जाएगा वरना धर्म नहीं रहेगा। ये थी सारी बात और ये मैंने कुछ वेद के मंत्रों के यहाँ पर हवाले दिए और वो आयतें जो पढ़ी थी और दोस्ती रखने वाली की थी उसका उत्तर दिया। ऐसा लग रहा है कि ये तो आप महसूस करते ही हैं कि लोग ऐसा समझते हैं, ऐसा क्यों हुआ होगा? कोई जो आपने वेद के धरण दिए, हालांकि हमारा जो विषय है वो कुरान शरीफ को लेकर, आपने तुलना की दृष्टि से कुछ उदाहरण दिए हैं, ठीक है अपनी दृष्टि से, लेकिन मेरा निवेदन ये है कि ये चीज ऐसी केवल एक जगह की नहीं, आम तौर से हर एक व्यक्ति ऐसा मान रहा है। तो ऐसा जिसको कहते हैं ना जी कोई बात वेद को लेकर के, कभी तारिक साहब कोई उसमें जो भी आप कह रहे हैं कुछ अर्थों में फर्क हो सकता है, लेकिन किसी के जुबान से ऐसा आया नहीं, मैं ऐसा महसूस करता हूँ। आपने भी बार बार फरमाया कि आप, मैं ये नहीं कह रहा कि नहीं, मेरा मतलब आपने भी फरमाया कि भाई मैं इसको ठीक मानता हूँ, प्रसंगानुसार वो ठीक है, तो उसके उदाहरण देने का लाभ नहीं। आपका वक्तव्य ये है कि कुरान शरीफ को प्रसंग से पढ़ा जाए, लेकिन जो हम जाहिरा तौर पर देख रहे हैं वो देख ही रहे हैं कि उसको इस रूप में पढ़ा नहीं जा रहा का मतलब, मैं तो पढ़ता ही हूं, मैं बड़ी सीधी बात कह रहा हूं, मैं तो पढ़ता नहीं। जो व्यक्ति पढ़ रहा है वो उसका अर्थ ये क्यों नहीं कर रहा? जितनी सहृदयता से आप ये बात कह रहे हैं वो उसका अर्थ क्यों नहीं कर रहा? इसका अर्थ ये है कहीं ना कहीं उसमें दोष है। टीचर स्कूल कॉलेज में अच्छी बात पढ़ाते हैं, कोई भी नहीं कहता गंदी बात पढ़ो, कोई भी नहीं कहता मेरे ख्याल से कोई भी टीचर, लेकिन अगर किसी स्कूल में कॉलेज में कोई चीज या कोई टीचर या वो एक जमात में वो पढ़ा रहा है तो उसको शक की नजर से, जैसे उदाहरण पुलिस का उदाहरण मैं इसलिए देना चाह रहा हूं कि पुलिस हमारी सुरक्षा के लिए सबको मालूम है, पुलिस का ध्येय वाक्य भी है, लेकिन क्या आप ऐसा महसूस करते हैं आप पुलिस हमारी सुरक्षा के लिए? मैं थोड़ा सा इसलिए, आमतौर से प्रत्येक व्यक्ति पुलिस से असुरक्षित महसूस करता है, तो क्या कारण है? इसका अर्थ यह है कि कहीं ना कहीं पुलिस महकमे में कोई ना कोई कमी है। मैं उसको जुबान से कह पाऊं न कह पाऊं, मेरे जीवन में तो कई पुलिस वाले ऐसे आए कि जो खुदा का वरदान की तरह उन्होंने बहुत बेहतरीन ढंग से मेरी रक्षा की, मेरे मन में उनका अच्छा स्वरूप है। लेकिन सवाल जमात का, यहां प्रश्न जमात का आ रहा है कि जमात में उसका जो स्वरूप है, मेरे मैं कितना भी अच्छा समझू पुलिस को,
बस मैं थोड़ा सा समय इसलिए बीच में लिया कि इस विषय को हम बहुत सहृदयता से और किसी पक्ष को गिराने की नजर से हम इस सबसे बढ़िया बात तो मुझे ये लगी, सब लोग बहुत ध्यान से सुन रहे हैं, आप बहुत बेहतर ढंग से प्रस्तुति कर रहे हैं, पंडित जी महाराज भी अपनी बहुत ढंग से प्रस्तुति कर रहे हैं, नतीजा जो भी हो